एक्चुअली ये फुल पिछले 8-9 साल से ऐसे लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 डेथ्स हो चुकी हैं एक्चुअली, यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे गिर गए, आप देख सकते हैं हालत क्या है। यह गई तकरीबन मान तो 15 वरी, 15 वरियों मे बस सिर्फ यहाँ ठेट जो दिखे तन पे बस गवर्नमेंट कहान ये इल्तिजा मत कौर खोज ग। मौजूद है टंग छत इलाके में जो कंगन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। यह पिछले कई सालों से बड़े सुर्खियों में रहा है इसी बात को लेकर कि इनको अभी तक पुल जो है वो तामीर नहीं किया जा रहा है। क्या वो जो हाथ है इनको जो है पुल है अभी तक तामीर नहीं हो रहा है, मगर ये बार बार अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। इन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त की हमारे मुश्किलातों की तरफ ध्यान दिया जाए। हम यहाँ के मुकामी बाशिंदों से बात करने की कोशिश करेंगे और जान लेते हैं कि उनको किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मेरा नाम है एहसान उल हक बाबा, मैं यहीं पर रहता हूँ टंगस्तर में। क्या प्रॉब्लम है इससे पुल? एक्चुअली ये पुल पिछले 8-9 साल से ऐसे ही लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 डेथ्स हो चुकी हैं एक्चुअली, यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे गिर गए, आप देख सकते हैं हालत क्या है। ये हमने लास्ट ईयर बनाया था ऐसे ही, ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये हमने खुद ही बनाया था जब लास्ट ईयर ये गिर गया था पुल कोविड रिस्ट्रिक्शंस के दौरान। इसमें भी तो कुछ भी इमदाद नहीं मिल रहा है हमें और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए। आप यहाँ जो मुकामी हज़रात यहाँ पे ऑफिसर हैं उनके पास नहीं गए? यहाँ पे तो हर रोज़ जाते रहते हैं और जब तक जहाँ तक मुझे याद है ऐसे 3-4 साल पहले यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी की थी, लोकल्स ने पैसा जमा किया था केस के लिए, वो भी हमने जीत लिया और उसी की वजह से पुल आ गया, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत स्लो पेस पे काम चल रहा है। यहाँ पे बीमार होता है इस वक्त क्या करते हो आप? उस वक्त कंधे पे उठाना पड़ता है, क्या करें। और जब बर्फ़ होती है तो तब सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, ये किसी भी टाइम गिर सकता है ये पुल। उस वक्त जब अगर कोई मेहमान आता है वो डरते हैं यहाँ से चलने, अब हमें आदत हो गई है थोड़ी सी तो हम चल पाते हैं। ये जल्द से जल्द काम होना चाहिए और क्या। मेरा नाव अब्दुलरशीद शाह, ऐसे गए क्या ऐसे रोजान टंग जी ये गए तकरीबन मान तो 15 वरी, 15 वरियों मे बस सिर्फ यहाँ ठेट जो दिखे तन पे बस गवर्नमेंट कहान ये इल्तिजा इल्तिमास कौर खोज ग कह हा गो जान पान यून वन दे ये गई 5-10 केसिस तुम सी गई तिंद जान गो तलफ मगर तुम कर कह गटन कार्ज सह पे अटस खाले हर हो पी एम जी रोड तपरी पे पे या नखी पकन ना कुछ लोकच गाड़ि पात हस्पता बड़ मुश्किल बीजेपी अत बी जे पी आकी कहु तो गिवान ये भरोस मगर पा ना कह वो अपील गई जल्द अज जल्द कम लग ताकि ये थे हमारे साथ टंग छतर के कुछ इज्जत बाशऊर बाशिंदे जिन्होंने हमसे बात की जो कि बहुत सफ़र कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब इनका ख्वाब जो है पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन रफीक डार के साथ मैं मीर कैसर, टंग छतर कंगन। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।